B2B ज्वेलरी प्रदर्शनी में देश भर के 40 एग्जीबिटर ने भाग लिया, जिसमें आगरा सहित देश भर से आए लोगों ने प्रदर्शनी देखने के लिए आए और आगरा, दिल्ली, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा आदि विभिन्न शहरों के लगभग 4000 से अधिक विजिटर प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे। सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने कहा कि इस बार की एग्जीबिशन काफी अच्छी दिखाई दे रही है और लोग पहले से अधिक खरीदारी भी कर रहे हैं। सर्राफा बाजार कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि B2B ज्वेलरी प्रदर्शनी में देश भर के 40 एग्जीबिटर ने भाग लिया, जिसमें आगरा सहित देश भर से आए लोगों ने प्रदर्शनी देखने के लिए आए और आगरा, दिल्ली, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा आदि विभिन्न शहरों के लगभग 4000 से अधिक विजिटर प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे। सर्राफा कमेटी के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने कहा कि इस बार की एग्जीबिशन काफी अच्छी दिखाई दे रही है और लोग पहले से अधिक खरीदारी भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एग्जीबिशन लगभग 500-600 करोड़ पार कर देगी। इस बार काफी अच्छी एग्जीबिशन देखने को मिल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतर होगी। आज यहाँ AIJEE और आगरा सर्राफा एसोसिएशन द्वारा जो एग्जीबिशन लगाई गई है उसका दूसरा दिन है और बेहद अच्छा रिस्पांस आ रहा है। कल भी बहुत विजिटर्स यहाँ पर आए और आज भी उससे ज़्यादा विजिटर्स यहाँ पर है, क्योंकि आज मंडे है तो लोकल का आदमी बहुत ज़्यादा है और बाहर का भी काफ़ी लोग हैं। अच्छा, एक बात मैं सबसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सर्राफे के अंदर जो कारोबार का जो नियम है, वो एक व्यक्ति जो किसी एक व्यक्ति से जुड़ जाता है, उसका कारोबार शुरू हो जाता है, तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, नए विभिन्न देश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं और यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे उन्होंने ऑर्डर लिखाए हैं, तो उनका व्यापार लंबे समय तक चलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस तरह से यह एग्जीबिशन बहुत ही प्रोडक्टिव साबित हो रही है और मेरे पास सुबह से कम आगरा के कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि अगली बार हम भी लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसका रूप जब हम अगली बार लगाएंगे तो कम से कम 500-600 गुना हो जाएगा।